वेलकम टू जूम टीवी हर्ष। फर्स्टली हैप्पी बर्थडे। सेट पर बर्थडे सेलिब्रेट करके आपको कैसे लग रहा है? ओह, थैंक यू फॉर द विशेस। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले दो सालों से आपको डर था कि सेम केक से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए कोविड की वजह से, या खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि यू नो वाटर डिजीज़ थी, सलाइवर डिजीज़ थी। सो आई थिंक दो साल से हमने वो किया नहीं था। एंड उसके पहले ऑफ कोर्स यू नो 2020 अर्ली, क्योंकि मेरा जनवरी में बर्थडे आता है, तो उसके पहले नॉर्मल लाइफ थी। सो नाउ आई फील दैट वी आर बैक टू नॉर्मल, यू नो, क्योंकि आप एटलीस्ट बर्थडे के उसमें पिछले बर्थडे ऐसा नहीं था। तो अभी जो है आप किसी को भी यू नो केक खिला सकते हो, किसी के हाथ से केक खा सकते हो, हक कर सकते हो, पकड़ सकते हो। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। एटलीस्ट यू नो इट्स अ स्पेशल डे, सो आप दूर दूर से कैसे किसी को यू नो बोलो हैप्पी बर्थडे। आई थिंक बचपन में मैं दिल्ली में था, सो बीइंग अ 90s किड, आई थिंक सबके लिए वो सेम ही था कि यू नो केक कटिंग और जो है यू नो वो प्लेट में समोसा होता था और कुछ चिप्स होते थे और एक चॉकलेट होती थी। सो दैट वॉज द बेसिक। और स्कूल में ऑफकोर्स यू नो कोई टॉफ़ी लेके आता था, कोई चॉकलेट लेके आता था, कोई पेस्ट्रीज लेके आता था। सो आई रिमेंबर दैट। एंड आप खड़े होते थे और यू नो सब बच्चे आपको यू नो हैप्पी बर्थडे वो करते थे। फिर आई रिमेंबर यू नो गेम्स होते थे, क्योंकि किसी भी बर्थडे पार्टीज़ में तो यू नो आपका वो रिवॉल्विंग डांसिंग चेयर्स वाला गेम होता था, या फिर यू नो वो हम एक कपड़े की पोटली बनाते थे, किसके पीछे रखते थे वो आपको गेस करना होता था। सो आई थिंक और रिटर्न गिफ्ट्स मिलते थे। सो आई थिंक बचपन में बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि आपको कौन से वाला पेंसिल बॉक्स मिला और यू नो उस पर कौन सा कार्टून कैरेक्टर बना है। सो दैट वाज द इनोसेंट टाइम्स। तब सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग यू नो आमने सामने विश करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड देते थे आपको, पर वो भी आपको आके देना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि अब जो है यू नो किसी और आपने बुक कर दिया ऐप से और आ गया। सो आई थिंक अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ये है कि कोई कितनी भी दूर आपसे रहता है वो आपको विश कर सकता है, बट आई थिंक बुरा ये है कि अब वो जो फिज़िकल कनेक्ट होता था, कोई वॉइस नोट भेज दिया किसी ने यू नो हैप्पी बर्थडे जस्ट मैसेज कर दिया या कमेंट कर दिया, सो अब वो फिज़िकल टच नहीं है। आप उनका चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, आप उनकी वॉइस नहीं सुन सकते कि वो कितने एक्साइटेड है। सो या 12 बजे मैंने घर पे केक काटा, बिकॉज यू नो कल मैं दिल्ली में था और अपनी फैमिली के साथ। सो यू नो विशेज़ ली अपने पेरेंट्स से और यू नो मेरा एक ही भाई है, सो इट वाज अ फैमिली दिस थिंग, क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए दिल्ली गया था तो मेरी प्रायोरिटी ऑफ कोर्स यू नो फैमिली थी। सो आई थिंक आई वेंट बैक टू बेसिक्स, जैसे जो बेसिक्स होता था पहले जब 12 बजते थे तो आप जहाँ भी घर पे ही होते थे यूजुअली पहले तो। सो या जहाँ से मैं जन्मा हूँ वहाँ से स्टार्ट किया यू नो ब्लेसिंग्स लेना एंड इट्स कंटिन्यूस। हाँ, सो बेसिकली यू नो मैं सेट पे आया क्योंकि मेरी छुट्टी थी, तो उसकी वजह से जो है सिर्फ फ्रेंड्स जो हैं वो थोड़े निगलेक्ट हो गए, कंप्लेंट भी कर रहे हैं, पर जो है जैसे ही मैं अब यहाँ से फ्री हो जाऊँगा तो उनके पास जाऊँगा। और किसी को कॉफ़ी पीनी है, किसी को खाना खाना है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई क्लब जाना चाहता है, तो ट्राई करूँगा जितना अकोमोडेट हो सकता है कर सके। बट यू नो एक दिन में मुझे आज सुबह मेरी हुई थी दिल्ली में, जहाँ यू नो मैं पेरेंट्स को बाय बोला, फिर से उनसे विशेज़ ली, मैं सेट पे आया, अब यू नो यहाँ इन वर्क प्लेस पे सबसे विशेज़ ली और अब फ्रेंड्स के पास जाऊँगा। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट जो आप कर सकते हैं। आई थिंक यू नो कोई भी काम करना है तो उसके लिए टीम एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। यू नो ये बात यू नो गांगुली ने भी कही है, धोनी ने भी कही है, और मैं भी आपको ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए 70 लोग हैं, सब अपने अलग यू नो प्रॉब्लम्स में आएंगे, मुँह सड़ा के कुछ बात करेंगे, तो वो 70 लोगों में तो ज़रूर यू नो फ़र्क पड़ता है। दो लोगों में तो आप कह सकते हैं कि भैया 50% आपके हाथ में, 70 लोगों में आपके हाथ में बहुत ही कम है। सो आई थिंक एक मेरा पहला बर्थडे था इस टीम के साथ, और अभी शो को 2 महीने हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहता था कि यू नो टीम के साथ सेलिब्रेट हो, ताकि पहले से ही वो बॉन्ड बन जाए, और स्वीट भी लगता है, क्योंकि आप अपनों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग कुछ करेंगे, बट जब आपकी एक नई टीम होती है तो आपको एक्सपेक्टेशन आपको पता नहीं है कि वो आपके लिए क्या कर देंगे। जैसे आज उन लोगों ने मुझे हवा में उठा लिया, तो ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। सो आई थिंक ये एक दिस इज़ अ स्वीट जेस्चर और एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि नई टीम है। खैर इतने सारे हैं विशेस, याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक मुझे जो दुआ जो सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए पर ईज़िली हो जाए। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हासिल तो देखिए हर चीज़ के पीछे एक
यू नो एक प्राइस एक कॉस्ट होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ 28 दिन शूट करते हैं तो कई बार कुछ दोस्तों का बर्थडे छूट जाता है या कोई फंक्शन छूट जाता है, पर 100% ये ज़रूर लगता है कि यू नो जब आप इतने सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, इतने सारे फैंस बढ़ते जाते हैं, इतने सारे लोग आपको विशेस भेजते हैं, सो आप डेफिनेटली फील करते हो कि आप कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे होगे ताकि वो लोग इतना एफर्ट ले रहे हैं। वेल फैंस के लिए मेरा एक ही मैसेज है, देखिए नया साल है 2023 और मेरा बर्थडे, ऐसे ही ऑफकोर्स आप सबका बर्थडे आएगा और वो हमारे लिए एक नया साल होता है ज़िंदगी का, आप एक साल यू नो में पाँव रखते हैं, एक नया पड़ाव है, तो वो जो है वो कुछ कोई भी एक चीज़ अपनी लाइफ में बदलिए, कोई चैलेंज लीजिए, कोई ऐसा स्टेप लीजिए जो आप लेना चाहते थे अभी तक आपने लिया नहीं, चाहे वो कोई शौक़ हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, चाहे वो कोई नई जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कोई सपना हो, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा डर जाता है ये सोच के कि मैं ऐसा करूँगा और सही नहीं हुआ तो। सो आई थिंक सेम लाइफ में अगर आप सेम काम करेंगे सेम रिज़ल्ट मिलेगा, और हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, यू नो बहुत सारे सपने होते हैं लाइफ में, तो उन सपनों को चेस करें और 100% कन्विक्शन से चेस करें विद फुल पॉजिटिविटी।